शाह कोच लिटिल मास्टर क्लब की। आप सभी से सबसे पहले मैं माफी चाहूंगी, टेक्निकल कारण की वजह से हम लाइव नहीं जा पाए, लेकिन एक बार फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं और वही जज्बे और वही जोश के साथ। आप सभी सहमत हैं मुझसे? जी बिल्कुल बिल्कुल। चेतना दीदी, मैंने पहले भी आपसे शुरुआत की थी और अब भी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। चेतना दीदी, आप मेरठ से हैं या मुजफ्फरनगर से, पहले तो मुझे ये कंफर्म कर दीजिएगा। मैं मेरठ से हूँ। चेतना दीदी, मेरठ जैसी जगह से, मतलब मैं इसीलिए थोड़ा प्रेशर डाल रही हूँ मेरठ पे, क्योंकि वहाँ से साध्वी मतलब भगवा धारण करना बहुत मुश्किल है। कैसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपने भगवा धारण करने के लिए? आप एडवोकेट भी हैं तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़ी होगी। जी निश्चित रूप से। देखिए, संघर्ष बड़ा था। उसका कारण यह था कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो थी वो इसको सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन मेरा जो मैटरनल हाउस है वो सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही क्योंकि इको है मेरी वॉइस पे बहुत। ठीक है ठीक है। अब चेतना दीदी, हम इसे इसको ठीक करना चाहेंगे। असल में आवाज पलट के आ रही है, तो मैं जो बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चेतना दीदी, अब आ रही है क्या आवाज? आपकी आवाज ठीक है? हाँ, मेरी आवाज में इको है। की आवाज में एक हो, चलिए ठीक है, ये भी समस्या हम जल्द दूर करते हैं। आप अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे चेतना दीदी। मैं बस इतना आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी संघर्ष कभी खाली नहीं जाता, और महिलाओं ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एक बड़ा संघर्ष किया है, तो मेरा संघर्ष उसके आगे शून्य समान है। लेकिन मुझे स्वीकार्यता मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने अपने निर्णय को अपने परिवार में बताया तो मुझे उसकी स्वीकार्यता मिली, उन्होंने इसको सह स्वीकार किया और मुझे पूरा सपोर्ट मिला अपने गंतव्य पे आगे, अपनी मंजिल जो मैंने अध्यात्म की मंजिल चुनी थी वो उस पे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से जब हम इसको देखते हैं तो ये बहुत कठिन होता है एक स्त्री के लिए साध्वी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना, क्योंकि बहुत प्रश्न चिन्ह हम पर होते हैं। लेकिन जब आप निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, जब आपका संकल्प दृढ़ होता है, तब कोई भी, जैसे अभी किरण शाह जी कह रही थी तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि अगर हम संघर्ष इसको कहते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को कहीं छोटा करते हैं। महिलाओं ने हमेशा ही एक अग्रणी भूमिका निभाई है और सनातन की तो परंपरा रही है कि बिना महिलाओं के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी यज्ञ करने से मना कर दिया गया था। ऋषियों ने कहा था कि आप अपनी पत्नी को साथ बैठाएंगे तो ये यज्ञ पूर्ण होगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ छोटी सी एक हीन भावना हमारे अंदर घर कर गई है। आज महिला दिवस पे मैं समस्त महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि अपने मन की इस हीन भावना को दूर हटाकर बराबरी मत मानिए। हम अभी डॉक्टर अंजना जी भी बराबरी की बात कर रही थी, मुझे लगता है कि हम बराबर नहीं है, हम अग्रणी है। उसका कारण ये है कि हम चहुमुखी प्रतिभा के निभाते हैं समाज में, और हमारा जो दायित्व है वो पुरुष से कहीं ज्यादा है। अगर हम घर को अव्यवस्थित रखते हैं तो हमारे घर की व्यवस्था चरमरा जाती है, और अगर समाज में हमारी भूमिका अच्छी नहीं होती तो सामाजिक व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। तो हम लोगों को एक उदाहरण के रूप में समाज में अपने आप को पेश करना चाहिए, सिर्फ दृढ़ संकल्प और निष्ठा से अपने लक्ष्य को, जिस तरीके से अर्जुन ने अपने लक्ष्य को टारगेट करके मछली की आंख को बींधा था। किसी की ना सुने, किसी व्यंग पर प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने कार्य को निष्ठा से अगर हम करते चले जाएं तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और मैंने तो मेरठ में रहकर ऐसा संघर्ष किया, जो लव जिहाद की शिकार बच्चियां थी उनको रेस्क्यू करना अपने आप में एक बड़ा काम था, उनको बार-बार रेस्क्यू करके उनको पुनर्स्थापित करना। जैसा कि आपने बताया कि आपके जो फैमिली थी वो तो इसको सपोर्ट नहीं करी थी, लेकिन आपके इन-लॉज ने बहुत सपोर्ट किया है, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये आज का दौर है कि महिलाओं के लिए उनके ससुराल वाले भी खड़े हैं। एक जमाना था जब महिला घर की दहलीज लागने से पहले भी हजार बार सोचती थी कि मैं दहलीज लाऊंगी तो क्या मैं वापसी कर पाऊंगी।
लेकिन आज तो फिर भी हमें खुला आसमान मिला है, उड़ना हमें है, आगे बढ़ना हमें है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ इस चर्चा के माध्यम से कि हम आवाज़ बने और उन लड़कियों को, उन बेसहारा लड़कियों को, उन महिलाओं को जो अकेली हैं, कि उड़िए, पूरा आकाश आपका है, उड़ान आपको भरनी है। चेतना दीदी सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उड़ान हम ही को भरनी है और हम ही को, हमारा ही ये कर्तव्य है कि हम एक कोड है कि महिला ही महिला की शत्रु है, मैं इसको मानती हूँ। उसका कारण ये है कि अगर हम अपनी बच्चियों को सपोर्ट करेंगे तो दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो हमारी बच्चियों को खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने से रोक सके। लेकिन आवश्यकता है एक प्रोटेक्शन देने की, एक प्रोटेक्शन पीछे का होना चाहिए बच्चियों के लिए। और उनको खुले आसमान में, जैसे बाज अपने बच्चे को छोड़ देता है वो आसमान में ऊंचाई पर ले जाकर और बच्चा उड़ना सीख जाता है, बाज के बच्चे की तरह हमें अपनी बेटियों की परवरिश करनी चाहिए ताकि वो किसी भी परिस्थिति में असफल ना हो। और अगर असफल हो भी, कई बार ऐसा होता है कि असफलता कदम हमारी जो असफलता है वो हमारे आगे आने वाले लक्ष्य में बाधा बन जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर असफलता कहीं हो भी तो उनमें इतना हौसला अवश्य होना चाहिए कि वो दोबारा उड़ान भर सके। और यह हौसला निश्चित रूप से हम ही को देना होगा, इसे देने के लिए कोई और नहीं आएगा। माताओं और हमारी जो माएं हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटियों के लिए संघर्ष कीजिए। जब आप खड़ी होती हैं तो निश्चित रूप से कि आपके बच्चे, आपकी बेटियां खुले आसमान में उड़ने का हौसला रखती हैं, असफल होती हैं और दोबारा उड़ती हैं। जी चेतना दीदी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही आपने और उम्मीद करती हूँ कि जो भी महिलाएं इसे सुन रही होंगी और देख रही होंगी वाकई अपने आप को मजबूत महसूस करेंगी और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत करेंगी। चाहे वो देखिए, महिलाओं की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, तो ये नहीं है कि सिर्फ अपनी बच्चियों को और महिलाओं को ही मजबूत करना है। देखिए, हमें अपने बेटों को भी वो शिक्षा देनी है कि वो महिलाओं की इज्जत सबसे पहले करे। शबीना खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई पहले भी और अब मैं सबसे पहले शबीना खान जी के पास जाऊंगी। गरीब बच्चों की आप बहुत देखरेख करती हैं, मैंने सुना है आप उनके जन्मदिन मनाती हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करती हैं। कहाँ से मन में कहाँ से जागा कि अब गरीब बच्चे जो हैं उनके पास मैं जाऊं और वहाँ पर मैं उनका जन्मदिन मनाऊं, जो जिन खुशियों के हकदार हैं वो खुशी उन्हें दिलाऊं? सबसे पहले शबीना जी म्यूट हटाइएगा, उसके बाद बोलिएगा। आप सभी को सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं महिला दिवस की और हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आई वाज वर्किंग इन द मल्टीनेशनल कंपनी एज अ सीनियर कोच। तो मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद मैंने कहा अपनी सोसाइटी के लिए मुझे कुछ करना है। सबसे पहले मैंने सफाई अभियान, मैं जहाँ पे हमारा इलाका है जामी नगर के पास रहती हूँ, थोड़ा बहुत वहाँ पर गंदगी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा अवेयरनेस यहाँ पर नहीं है सफाई के लिए। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लेकर और रोड पर उतर गई। मैंने कहा मुझे सफाई करना है। हम अपने घर की जब सफाई कर सकते हैं तो बाहर की सफाई क्यों नहीं कर सकते? उसमें हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। कई लोग हैं शर्माते हैं कि हम बाहर झाड़ू नहीं ले सकते हैं, बाहर हम झाड़ू उठा सकते हैं। मैंने झाड़ू उठाई और मैंने रोड पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी हेजिटेशन। तो मैंने सफाई अभियान शुरू किया। मेरे साथ जुड़ते जुड़ते तकरीबन 50 से 60 महिलाएं झाड़ू लेकर घर से बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि ये वो अवेयरनेस है जो महिलाओं ने सोचा और जो सोचती हैं वो फर गुजरती हैं। तो वो हमारा पहला अभियान था जो हमने सफाई अभियान शुरू किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्वे किया कि यहाँ झुग्गी झोंपड़े हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, क्या वो शिक्षित है या नहीं है, बच्चियाँ जो हैं उनके पास पूरे कपड़े हैं या नहीं है, बच्चियाँ ऐसा तो नहीं कि खुले तन से घूमती हों या कम कपड़ों की वजह से बहुत सारी परेशानी होती। मैंने सर्वे किया झुग्गी में, पाया तकरीबन बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर कूड़ा उठाते हैं, बीनते हैं और वो स्कूल नहीं पढ़ते। मैंने उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया, सरकारी स्कूल में, उनको किताब कॉपी बांटी। उन्हीं झुग्गियों में मेरे वॉलंटियर्स, मैं समाज सेविका हूँ और मैं एनजीओ भी चलाती हूँ। उसके बाद मैंने एक एनजीओ का भी वो किया, ओपन किया, जिसका नाम है हमारी आवाज़ फाउंडेशन। उस एनजीओ का हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो उन्हीं झुग्गियों में उन बच्चों को जाकर पढ़ाते हैं और बच्चे वहाँ के जो होते हैं वो टाइमिंग से बैठ जाते हैं अपना बैग लेकर। जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, नोटबुक्स, बुक्स, स्टेशनरी, बैग, कपड़े, जूते, चप्पल, खाना पीना, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम सब प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को। अब मैंने नोट किया है कि महिला दिवस हमें मनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि महिला
महिलाएं इतनी अग्रणी हैं, नारी में इतनी शक्ति है कि वो रोज महिला दिवस होता है, महिला दिवस होता है। जब मैंने नोटिस किया, मैंने देखा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन जब हो रहा था वहां पे देखा एक एक औरत मजदूरी कर रही है, सर पर ईंटों का पूरा वो रखकर मसाले जो करते मजदूर जो करते वो कर रही थी, और बच्चे को उसने पीठ पर बांध रखा था। तो मैंने कहा ये अभी भी झांसी की रानियां हमारे देश में जिंदा हैं जो आज काम कर रही हैं, और हमारी झांसी की रानी ने जिस तरह से बच्चे को पीछे बांध कर और लड़ाई लड़ी थी, इस तरह से आज भी एक महिला मजदूर होकर अपने बच्चे को भी पाल रही है, मजदूरी भी कर रही है। तो मैं फिर वही कहूंगी, नारी शक्ति जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, क्योंकि जो नारी कर सकती है वो शायद पुरुष पुरुष के भी बस की बात नहीं है। घर चलाना, समाज देखना, बच्चों को पालना, पूरी व्यवस्था संभालना जो नारी कर सकती है वो शायद और कोई नहीं। और आज की महिलाएं तो देश संभाल रही हैं, बिल्कुल फाइटर जेट चला रही हैं जी। और जरूरी नहीं है कि फाइटर जेट चलाएंगी तभी महिला सशक्तिकरण होगा, अगर वो मजदूरी कर रही है तो भी महिला सशक्तिकरण होगा, तो भी महिला सशक्तिकरण है। बिल्कुल शबीरा जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। डॉक्टर अंजना जी भी हमारे साथ बनी हुई है, क्योंकि मैंने पहले ही इनका इंट्रोडक्शन कराया था कि कवियत्री हैं, इन्होंने कविता भी एक गाई मैंने सुनी, हालांकि टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं उन्हें देख नहीं पाई, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी अंजना जी एक बहुत बढ़िया सी कविता आप सुनाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखती हैं। अनम्यूट है। हाँ ठीक है, आ गई आपकी आवाज अंजना जी। जी, एक बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में पैदा होकर मैं यहाँ तक आई हूँ। वहाँ जैसे कि एक अभी एक संस्मरण मैं लिख रही हूँ और आधे से ज्यादा वो हो भी चुका है, तो वो है कि बैलगाड़ी से बोइंग तक, और वो एक ऐसा ऐसा संस्मरण है जिसमें मैंने बैलगाड़ी पर बैठ और बोइंग तक का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। और आज की तारीख में मैं गांव में खासतौर से महिलाओं के लिए, लड़कियों बच्चियों के लिए शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण काम कर रही हूँ, समाज सेवा तो करती ही हूँ, इसके साथ ही हमारी बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं और वो भी गांव में, वहां पर हमने लड़कियों के लिए खास व्यवस्था कर रखी है, जो गरीब तबके की लड़कियां हैं, जो स्कूल नहीं जा सकती हैं, जो पढ़ नहीं सकती हैं, तो उनके लिए विशेष हमने सुविधा दे रखी है। और इस तरह से अभी पिछले महीने हमने एक अस्पताल खोला है, तो इस तरह के अलग अलग जो है गरीबों के लिए और खासतौर से बच्चियों के लिए हम लोग काम करते रहते हैं। जैसे कि चेतना जी ने कहा कि बेटियों को बेटे और बेटियों में भेद नहीं होना चाहिए, मैं वहीं से शुरू करती हूँ कि बेटे और बेटियों में भेद नहीं करना चाहिए, ये चीज हमें हम महिलाओं को समझना चाहिए, क्योंकि अगर बेटियों को प्रताड़ित करता है कोई तो सबसे पहले वो महिलाएं ही करती है। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को और ऐसी ऐसे मदर्स फादर जो भी हैं उन्हें मैं एक कविता के माध्यम से समर्पित करना चाहती हूँ कि भेदभाव करना अब छोड़े आप लोग संतानों में, भेदभाव करना अब छोड़े आप लोग संतानों में, करें नहीं गिनती बेटी की भूल कभी बेगानों में, बेहतर संस्कार शिक्षा दें, बेहतर संस्कार शिक्षा दें, कोई कसर नहीं छोड़े, पंख लगाएं आज सुनहरे बेटी के अरमानों में, पंख लगाएं आज सुनहरे बेटी के अरमानों में, बेटी है तो हर दिन मंगल, बेटी है तो हर दिन मंगल, हर पल सुखद महीना है, बिन बेटी के जीवन कैसा, बिन बेटी के जीवन कैसा, घुट घुट करके जीना है, बेटी को कम तनिक ना आके उसको नभ छू लेने दें, बेटी को कम तनिक ना आके उसको नभ छू लेने दें, दो पुल का रोशन, दो पुल को रोशन करती है सचमुच सुता नगीना है, सचमुच सुता नगीना है। तो एक कविता से हमने अंजना जी बहुत कुछ समझा है, कि आपने बहुत बखूबी समझाया भी कि बेटी को कम नहीं समझना है, दो कुल को लेकर चलती हैं। देखिए जब मायके में रहती हैं तो मायकों को संभालती हैं, जब शादी हो जाती है तो फिर ससुराल भी संभालती है, दोनों परिवारों में तालमेल बिठाना महिला से बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। इसके अलावा देखिए अंजना जी आपका मैं रुख करूंगी, किरण शाह जी हमारे साथ बनी हुई हैं। किरण शाह जी, टेक्निकल इशू हुआ उससे पहले आप बहुत अच्छा बोली, बहुत दिल से बोली, खुलकर बोली,
तो एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप दिल खोल कर बोलिएगा, क्योंकि आपसे मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ कि आप उत्तराखंड जैसी जगह में क्रिकेट को इतना बढ़ावा दे रही हैं और मेरे जैसी जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आप आगे बढ़ा रही हैं वैश्विक स्तर पर। धन्यवाद मैडम, मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगी। शायद कुछ इशू हो रहा है क्या आवाज में? जी किरण जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? इको आ रही है लगातार। इको आ रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो मैम मैं कहूंगी, जैसे नारी के बारे, पुरुष के बारे में जो बोला जाता है ना, आवाज लॉटरी मिली। मैं अपनी पीसीआर टीम से कहना चाहूंगी कि समस्या का समाधान प्लीज करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा पैनल मेरे साथ बना हुआ है और आज महिला दिवस है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई टेक्निकल खामी हो और जिस वजह से यहाँ पर चर्चा में कोई भी विलंब हो। शाह जी, आवाज अब ठीक हो गई है, एक बार फिर से बोलिएगा। जैसे अर्धांगनी बोला गया महिलाओं को, मतलब औरत को अर्धांगनी बोला गया। अर्धांगनी का मतलब हम पुरुष का आधा हिस्सा, हमारे बिना जो भी पुरुष वो आधे हैं। तो सबसे बड़ा हमारा महत्व तो यहीं पर सबसे बड़ा हो जाता है, नंबर एक। बिना जो भी आज हमारे देश में जितनी भी महान बड़ी से बड़ी पोस्ट पर हर जगह पर महिलाएं हैं, तो हमको खुद भी अपनी स्थिति को बनाने के लिए हमको बेचारी नहीं बनना है, संघर्ष नहीं बोलना है हमको, टक्कर अपनी जगह बनाते चलना है। अगर कहीं पर कोई आदमी है, भीड़ है, तो अपनी जगह बनाने के धक्का इंतजार मत करो कि हमको महिला समझ के कोई देगा। हम महिलाएं हैं ही नहीं, जब हम पुरुषों से आगे बढ़ के सारा काम कर रहे हैं आज की तारीख में, तो हम तो महिलाएं कहाँ से, मतलब बेचारी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और संघर्ष के जहां तक बात होती है, अगर हमें संघर्ष शब्द से हम छोटे बन जाते हैं, मेरा मानना यह है। जहां तक बच्चों की बात है, मुझे बड़ा गर्व, बड़ी खुशी होती है, मैं उत्तराखंड में हूँ, मेरा एक छोटा सा राज्य है, और से भी पूरे देश में मानते तो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, बहुत इंटीरियर होता है, पर मुझे ये कहने में भी बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आज मेरा उत्तराखंड सबसे आगे है हर चीज में। अब ये बताओ कि पूरे भारतवर्ष से अगर 15 खिलाड़ी गए हैं, तो उसमें एक मेरा खिलाड़ी भी है, महिलाओं में अभी मेरा खिलाड़ी भी वहां पे खेल रहा है। न्यूजीलैंड में जो प्रदर्शन पाकिस्तान के साथ हुआ था, तो मतलब लड़कियों में कहीं भी कोई लड़की नहीं रहेगी, ना कोई लड़का रहेगा। किरण जी, एक बात जो है मन में आई है वो पूछ लेना, मैं जरूरी समझ लेती हूँ, माफ करेगा बीच में टोक रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो यहाँ पर क्रिकेट को इतना बढ़ावा देना, महिलाओं को इतना बढ़ावा देना, इतना कुछ सिखाना उन बच्चियों को, उत्तराखंड में कहीं ना कहीं ये संघर्ष जो है वो मील का पत्थर साबित हो रहा है। और इसके अलावा देखा जाए तो महिलाओं को इस कदर आगे बढ़ाना कि अंडर 19 तक खेल रही हैं, वर्ल्ड लेवल पर खेल रही हैं, एक महिला होकर क्रिकेट के लिए कोच बनना, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, आप कह रहे हैं कि संघर्ष नाम मत दीजिएगा, क्योंकि महिला बेचारी नहीं है, महिला आगे बढ़ रही है, इसलिए माफ कीजिएगा संघर्ष मैंने बोल दिया, तो कैसे इतना प्रेरित हुई आप, इतनी प्रेरणा कहाँ से आई? यही चीज है जो ये महिला और संघर्ष हो रहा है ना, जो ये संघर्ष शब्द ने मुझे इतना मजबूत बनाया है। जब हम शुरू करते हैं किसी चीज को, तो बोलते हैं कि लड़कियां, जैसे लड़कियों को भी ग्राउंड तक लाना बहुत कठिन कार्य होता था, होता है, मैं पर उसको याद नहीं करना चाहती, कन्विंस कर पाती थी, क्योंकि माता पिता को कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, बहुत टफ होता था। आज की तारीख में जो बता रही, जो लड़की आज मेरी इंटरनेशनल लेवल पर भी जो खेल रही है, उसके फादर भी कहते थे टाइम पे मुझे कि मैम लड़कियां हैं स्टार्टिंग में, बाद में तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, ये लड़कियां हैं क्या कर लेंगे। आज भी पेरेंट्स कई बार आते हैं मेरे पास, मैम क्या कर लोगे, कितना कर लोगे आप, हमें इनका भविष्य बता दो। मैंने कहा भविष्य आपने पैदा करके ना दुनिया में ले आए हो गर्ल्स चाइल्ड को अपने, तो आगे जो बनाना इनका अपने हाथ में भी रहता है। बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ। आप बिलीव करोगे, आप समर वेकेशन आ रहे हैं तो 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ग्राउंड में रहना बच्चों के साथ, और विंटर वेकेशन में भी कम मेरे 12 घंटे क्लब चलाना बड़ी बात होती, क्योंकि सक्सेस चाहिए मुझे, बच्चे आगे लेवल पर चाहिए, उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, इवन अपना खान पीन रहन सहन सब चीज को छोड़ करके मेहनत करनी पड़ती। अभी भी मैं जहाँ पे बैठी हूँ ना, मेरे पास कोई मतलब कोई टेबल कुर्सी कुछ नहीं, मैं अपने प्रैक्टिस ग्राउंड में ही पाती हूँ। एक और बात आपके लिए आई है, किसी ने बताया है मुझे, उनका नाम भी मैं यहाँ लेना चाहूंगी, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं तिलक चावला जी, वो कहते हैं कि बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, बिल्कुल, और वो कहते हैं कि जब आप ने शुरुआत की थी तब आपके पास बहुत जगह भी नहीं थी, बहुत छोटी सी जगह थी, परेड ग्राउंड में आप बच्चों को सिखाती थी, तमाम छींटाकशी ऐसे लोग करते थे, तमाम बातें सुनाते थे, उस दौर से निकलना, मतलब मेरे तो बोलते हुए आंसू आ रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर क्या बीती होगी और किस जूझता के साथ आपने पूरा सफर ये तय किया होगा,
वो क्षण जब आप याद करती हैं कैसा लगता है? सबसे पहले तो तिलक मेरे सामने, तिलक ने बहुत डीप से मेरे को देखा है, मेरे संघर्ष कहूँ या जो भी कहते हो उसको, मेरी मेहनत को, तो शायद उसने मुझे इसलिए आज याद किया। मैं उठने लायक नहीं थी, मैं उठना नहीं चाह रही थी, आज मैं बेड पे थी, बहुत जगह से कॉल आई मेरे को, पर मैं नहीं, लास्ट में जब तिलक ने बोला कि मैंने कहा तिलक मेरी आवाज सुनना चाहेंगे सिर्फ, उनने कहा नहीं हम लाइव आपको लोग देखना चाहेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। मैं उसी के कहने पर शायद मैं बड़ी अस्त व्यस्त हालत में, कोच को बड़ा अप टू डेट होना पड़ता है अच्छी, बट मैं जैसी कंडीशन में थी मैं वैसी कंडीशन में आके आपके सामने बैठी हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ। और तिलक ने वास्तव में, वो बिल्कुल सही बात है तिलक का कहना, एक ऑर्डिनरी जगह पर, बिल्कुल जब लोग क्लब का एक स्थापना करते हैं, निर्माण करते हैं, तो बड़ी बड़ी जगह उनका फी स्ट्रक्चर होता है उनका, बस मेरे को ये था कि मुझे फ्री में अगर जगह मिले मैं गरीब बच्चों को सिखाऊं, मेरे को उससे कोई पैसे से मतलब, स्टार्ट में कम से कम 10 साल मैंने बिना पैसे के बच्चों को क्रिकेट सिखाई है। धीरे धीरे करके जब मुझे कहीं पर ग्राउंड का एक्सपेंसेस देने की जरूरत पड़ी, वो पड़ी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों से बढ़ाना शुरू करा है। और ये जो जो भी मेरा समय है, मैं तिलक जैसे बहुत लोग मेरे साथ है जो मेरे को देखा, जिन्होंने मुझे पहचाना, जिन्होंने मेरे को समझा है और जिनके बलबूते में यहाँ तक हूँ आज तक, और आपके साथ लाइव होने में देखो मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आपके जो एडिटर है तिलक, उनका, उन जैसे लोगों की जो पारखी नजर है, उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, आज हमारे उत्तराखंड को जो बीसीसीआई से मान्यता मिली है, यही लोग मेरे पास 100 बार आए होंगे, कितनी बार आते थे, हमेशा में मुझे बिजी रखा इन लोगों ने, मुझे कभी किसी चीज की फुर्सत नहीं रही, एवरी टाइम तिलक से भी आप पूछेंगे कितना जमावड़ा मेरे पास रहते थे, लोग मुझे हमेशा हमेशा अप्रिशिएट करते थे इस चीज के बारे में, मैम आप इतना, तो मुझे बल मिलता था, मैंने कभी अपनी को महिला नहीं समझा, इन्हीं लोगों ने मुझे इतनी ताकत दी। किरण जी, जो लोग कमेंट करते थे, जो लोग कमेंट करते थे, देखिए आज की महिला कहती है कि कोई कुछ भी करता रहे हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, लेकिन वो जब आपने शुरुआत की होगी तो वो जमाना कुछ और रहा होगा, और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा करना, लोगों का कमेंट करना, 10 बातें बोलना, बहुत जरूरी बिल्कुल था, क्योंकि लोगों ने विभिन्न सर को यह भी बोला, हमारे जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बोला कि सर अकेले नहीं चलता, क्योंकि क्लब चलाने के लिए बहुत एक्सपेंसेस, पैसे की जरूरत होती है, आप कब तक चलाओगे। मैंने सर से बोला सर मैं महिला हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं दूसरे पुरुष को नहीं चाहूंगी ग्राउंड के बीच में, और जितना भी मैं 2 टाइम का 3 टाइम का नहीं, मैं 1 टाइम का खाऊंगी, पर मैं अपने क्लब को अपने बेस पर चलाऊंगी, अपने बलबूते चलाऊंगी। अगर मैंने चलाया मैम, आज जो मंजिल पाई है उसी की बदौलत पाई है, अगर मेरे पास कोई तीसरा आदमी है, चौथा कोई होता, शायद हम इस अचीवमेंट को नहीं कर पाते आज। तो मैं तो महिलाओं से इसलिए यही कहना चाहूंगी, अपने को कमजोर और अबला महिला मत समझो, अपने बलबूते खुद काम करो, ज्यादा लोगों का कोई सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे अंदर दम हो, अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, चेतना दीदी, अपने भी बहुत कुछ कर, चेतना दीदी के पास मैं जाऊंगी, और उनकी मंद मंद मुस्कान जो है मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, क्योंकि मैंने ये सुना था कि चेतना दीदी जो है वो बहुत गुस्से में रहती है, मुस्कुराहट तो बहुत ही कम उनके चेहरे पे देखने के लिए मिलती है, लेकिन आज तो बहुत ही मधुर लग रही हैं, शालीनता के साथ बैठी हैं। मिशन क्या है आगे, क्या सोचा है चेतना दीदी? कोई मंजिल टारगेट नहीं की है मैंने, मुझे लगता है कि मेरी माँ ने जो मुझे काम सौंपा है, जगदम्बा ने, मैं उसको करती चली जाऊंगी, क्योंकि जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप अपने आप को बहुत छोटी परिसीमन में बांध लेते हैं। मैं आज मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं नमन करना चाहती हूँ किरण शाह जी को, क्योंकि उनका जो कार्य है वो वास्तव में अभिनंदनीय है, हमेशा अपनी प्रशंसा को जो लोग सुनते रहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ते। आज मैं आज इसलिए प्रश्न हूँ कि आपने एक ऐसी महिला को जिसने ग्राउंड पर, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड पर काम करने वाली महिलाओं को आगे लाते हैं, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने आज यहाँ किरण शाह जी को बुलाया, और उनके काम को हम सबके, आप जैसी महिलाएं हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं जो अपने आप में मजबूत हैं, औरों को भी मजबूत कर रही हैं। जी बहुत अभिनंदन हृदय से उनका करना चाहती हूँ, वो जिस तरीके से कार्य कर रही है, इसी कार्य की आज जरूरत है। मेरा अपना यह है कि ईश्वर ने मुझे जो काम सौंपा है, मुझे लगता है कि मैं इस जीवन में उसी को निष्ठापूर्ण करती रहूं। गुस्सा इसलिए है कि मैं, मेरा जो काम है वो कठिन है, और मुझे महिलाओं के साथ रहने का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है। मैं लगातार पुरुषों के बीच में काम करती हूँ, और कठिन संघर्ष रहता है मेरा, संघर्ष इन द सेंस कि मेरा व्यक्तिगत कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन समाज के लिए जो मैं कार्य कर रही हूँ उसके लिए मैं अपने आप को कहीं भी हल्का प्रस्तुत नहीं कर सकती। आप तो बेड़ियों को तोड़कर, जो समाज की बेड़ियां हैं उनको तोड़कर तो आप बहुत आगे निकल चुके हैं, अब
क्या चीज है आपको जो रोक रही है, क्या चीज ऐसी है जो अभी भी आपको बांधे हुए है? कुछ नहीं, बंधन है ही नहीं। जिस दिन सर भगवा धारण किया उस दिन से सब बंधन मुक्त हो गए, तो कोई चीज ऐसी नहीं है। और स्त्री के लिए मैं भी नहीं, मेरा मैं अपने विषय में बात नहीं कर रही हूँ, मैं समस्त महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपके लिए कोई भी चीज कभी बंधन नहीं बन सकती। सिर्फ आपकी नेक नियत होनी चाहिए, आपकी नियत साफ होनी चाहिए, आप जिस कार्य को कर रही है उसमें आपकी निष्ठा होनी चाहिए, आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। कोई भी बाधा कभी भी आपको नहीं रोकेगी। आप एक और संदेश है मेरा कि आप पुरुष को पूरक मानिए। आप जिस दिन अपने आप को बराबर मानने की होड़ में शामिल हो जाते हैं उस दिन आप बहुत पीछे खड़ी होती हैं। हम अग्रणी हैं, हम हमारे बिना तो शिव भी शव समान है। शिव को शक्ति जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक वो शव समान रहते हैं। तो पुरुष की शक्ति है, हमें अपने समाज में पुरुष से कंपटीशन नहीं करना है, उनके साथ मिलकर लड़ना है, उनसे आगे बढ़कर लड़ना है। हमारे ऊपर माँ का दायित्व है। एक स्त्री ही संपूर्ण है, पुरुष कभी संपूर्ण नहीं होता है, स्त्री संपूर्ण होती है। उसका कारण यह है कि हम जननी है और हमें समाज को आगे बढ़ाने का दायित्व हमारी माँ जगदम्बा ने देकर भेजा है। तो जो स्वयं माँ है उसका उसको कौन बांध सकता है? उसको मुझे लगता है कि कोई भी बेड़ी एक स्त्री को बांधने के लिए सक्षम नहीं है। जैसे नारायण को नहीं बांधा जा सकता, ऐसे ही नारायणी को बांधना भी किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। सिर्फ स्वयं की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ते जाना है। जब हम सारे कष्टों को एक तरफ रखकर, जैसे किरण शाह जी कह रही है, न जाने कितना संघर्ष रहा होगा, कितने ताने, किस तरीके की समस्याएं, किस तरीके आपकी बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही हैं और आपकी बातों से मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। लेकिन देखिए, माफ कीजिएगा, समय की कमी है और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से दूर रहूं, लेकिन हमें एक और प्रोग्राम भी जो है 5 बजे वो करना है, जिसकी तैयारी हमने पहले से ही कर ली है। तो फटाफट से सबीना जी, आखिरी कमेंट आपसे मैं ले लूंगी महिला दिवस के मौके पर, उसके बाद फिर आखिर में अंजना जी के पास मैं जाऊंगी, कविता से ही हम इस चर्चा की समाप्ति करेंगे। सबीना जी, बहुत सारी चीजें हैं, महिला दिवस तो है, लेकिन आज भी महिलाओं को जो महिलाओं को जो छीटा कशी, जो ताना, जो टॉन्ट, या चलते हुए दो लफ्ज कोई कह देता है या कोई लड़के या पुरुष या कह देते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। मतलब जब महिला बाहर निकलती है तो वो ये सोच निकलती है कि समाज हमारा साथ देगा, अगर हमारे साथ नहीं खड़ा होगा कम से कम हमें सम्मान देगा। लेकिन अगर वही आपको चलते हुए कोई छीटा कशी करे या टॉन्ट करे किसी भी बात के लिए, तो बहुत दुख होता है। वो अब सबीना जी देखिए, माफ कीजिएगा, समय की कमी है, तो वो सब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबीना जी कह रही है हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अंजना जी, जो मैं चर्चा की समाप्ति करना चाहती हूँ आपकी कविता से करना चाहती हूँ, उसके बाद फिर आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद दूंगी और हम इस चर्चा को यही खत्म करेंगे। आखिरी कविता अंजना जी। संपूर्ण आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पूरी नारी जगत को मैं एक उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, सुनेगा? कि सदा सवारे अपने घर को जी, सदा सवारे अपने घर को, जन्नत उसे बनाती है, सारी खुशियां परिजन पर वह हंसकर रोज लौटाती है, सारी खुशियां परिजन पर वह हंसकर रोज लौटाती है, देती है मजबूती घर को, कभी नहीं वह हारी है, देती है मजबूती घर को, कभी नहीं वह हारी है, वंदनीय है, पूजनीय है, हिंदुस्तानी नारी है, वंदनीय है, पूजनीय है, हिंदुस्तानी नारी है, करती है संघर्ष हमेशा, गीत खुशी के गाती है, सारी खुशियां परिजन पर वह हंसकर रोज लुटाती है। बन सुनेगा कि मर्यादा की सीमा में वह जीवन अपना जीती है, ठीक है अंजना जी, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि आप सब अंतिम बंद सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट अंतिम बंद सुन लीजिएगा जी, कि पहले कैद घरों में थी जो, नहीं रही बेचारी है, दीपों से आगे है वो, अब बेटों पर भारी है। बिल्कुल अंजना जी, बहुत खूब, और मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग मातृशक्ति को नमन कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मातृशक्ति की जय, आप मेरे साथ बोलिए,
मातृशक्ति की जय, और आप सभी का बहुत शुक्रिया मातृशक्ति की जय, मातृशक्ति की जय, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत ही शानदार अंदाज में अपनी बातें हमारे साथ रखने के लिए। तो महिला दिवस आज बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और न्यूज वर्ल्ड इंडिया भी आप सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।